सीनियर मदनी साहब की, और क्या आपकी भी सहमति है उसमें? देखिए, उन्होंने आज पहली बार एक बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार, जो आपके लिए ओम है वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ, ये पहली बार मैंने सुना। हाँ, मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ, और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतान, हम कहते भी हैं, आज तक तो मनु का विरोध होता रहा। चुप चुप। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो? मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात। हाँ, दूसरी बात है, क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए। हाँ, ये उनका अधिकार है। हाँ, और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अभी सिख समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त के अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने उनको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से, लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। स्वामी जी, इसमें सबसे बड़ी, सर एक मिनट, लोकेश मुनि जी के बयान से आप सहमत हैं या फिर सीनियर मदनी साहब के बयान से? ये साफ साफ जानना चाहते हैं सब लोग। सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बायकॉट करना जल्दबाजी थी? मुझे लगता है कि आप बायकॉट कर रहे हैं इसका, सर ये नहीं। नहीं, मैं किसी चीज का बायकॉट कभी नहीं करता। रास्ता बायकॉट कभी भी नहीं है। हाँ, रास्ता है सहमति। हाँ, रास्ता है संवाद। हाँ, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, पांच बातें आई, आप उन पांच बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, खासकर मैंने कहा एक बात को बहुत जोर देकर कहा कि पूरे विश्व में कोई बात आती है, ये बात आती है कई बार, नाम मुसलमान का आता है, लेकिन आज की इस मंच से ये होना चाहिए कि नहीं, अब हम सब मिलकर काम करेंगे, हम अपने वतन को धब्बा नहीं लगाने देंगे। सुशील मुनि जी ने भी यही बात कही कि आज का जो एजेंडा था वो भारत के विकास, भारत में की जो सद्भावना है उसको, उसके ऊपर बात करने की बात थी, या फिर जो जहां जहां पर भारत कमजोर हो रहा है सामाजिक क्षेत्रों में, वहां मजबूत करने की बात थी, लेकिन यहां पर एक धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका इतिहास बताया जा रहा था। इसलिए ये जो संकल्प हुआ, देखिए जब मंच पर लोग होते हैं सबको अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोदशा से आते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी का बहिष्कार नहीं, किसी का बायकॉट नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि हमें परिष्कार करें कि इससे आगे का रास्ता क्या है। इससे आगे का रास्ता ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों को लगाएं, पहाड़। मिशन लाइफ जो है वो यही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। वो केवल ग्लोबल वार्मिंग के वह बाहर नहीं है, अपना भी जो तापमान बढ़ता है उस तापमान को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मदनी साहब ने कहा कि पहले हिंदू नहीं थे, मनु के रास्ते से भटक गए हैं। लोकेश मुनि जी ने इस बयान पर एतराज जताया, इस पर मुझे लगता है कि उनके कहने में ये शायद नहीं था कि पहले हिंदू नहीं थे या पहले, मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बैठने की बात करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि वो जब इस्लाम को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके आलिम हैं, उसके दानिश हैं, तो वो उस दृष्टि से समझते हैं। हो सकता है किसी को उन्होंने कुछ बात पूछी होगी तो उनके समाज में जो बताया गया होगा उन्होंने उस तरह से रखा, लेकिन सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने ये आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं, इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी, इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी, दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी, लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आएँ। मनु की बात उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है, इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज कि मनु ने जो बात कही
उसमें हम मानव बने रहें और इंसानियत बनाए रखें और हम मनु के द्वार से भटकेंगे नहीं। स्वामी जी, ये छोटा बयान कहीं ये निकलता है कि इस्लाम सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे ऊपर, कहीं ये निकलता है? लगता है कि देखिए, वो चूंकि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इस्लाम के बात इसी तरह से ही रखेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम नहीं, क्या उन्होंने बढ़ाया इस्लाम को सबसे ऊपर किया या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में ये होगा कि इस्लाम बढ़े या इस्लाम को बढ़ाया जाए। देखिए, हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे और सब रहे, उसके साथ साथ